कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर की शीट है। इसमें ये वाला क्वेश्चन हमने पहले अपनी शीट में किया हुआ है, लास्ट टाइम ही किया था, जो दो मिरर्स थे और रिफ्लेक्शन फर्स्ट सरफेस से करनी थी, ये इमेज हमने बनाई थी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमने किया हुआ है दो मिरर्स वाला, आपने ये क्वेश्चन करना है। पहले इस क्वेश्चन को एक बार देखें प्लीज। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर का के अंदर जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33। वाटर की हाइट कितनी है 33.25 और ऊपर 15 सेंटीमीटर ऊपर क्या रख दिया, कनकेव मिरर रख दिया। अब वो क्या कह रहा है कि कनकेव मिरर ने जो इमेज बनाई, ऑब्जेक्ट बिल्कुल बॉटम पे था, कनकेव मिरर की वजह से इमेज कहाँ पर बनी, ऊपर बनी एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। क्यों पता ही है, रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ का चक्कर है, तो कनकेव मिरर ने इमेज यहाँ पर बना दी। आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कनकेव मिरर के लिए अगर आप मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता दे क्या होगा, कनकेव मिरर के लिए अगर आप मुझे इमेज का डिस्टेंस बता दे क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, यू पता है वी पता है, तो 1/f = 1/v + 1/u से फोकल लेंथ निकाल लूँगा। क्लियर है। अब ये बताओ कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये मिरर है, ये ऑब्जर्वर है एक तरीके से और ये हवा में है, उसको किसको देखना है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो उसको ये तो 15 ही नज़र आएगा, लेकिन ये डिस्टेंस उसको 33.25 नहीं नज़र आएगा, तो कितना नज़र आएगा, यू क्या बनेगा, यू बनेगा नेगेटिव ऑफ, क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव में होता है, माइनस 15, तो 15 ही नज़र आएगा, लेकिन ये टोटल 33.25 डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू कितना है 1.33, ये नजर आएगा। ये स्टेप क्लियर है, ये कहां से आया, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ से किया था हमने, क्या ये स्टेप क्लियर है। और इमेज उसको कहां नजर आ रही है, यहां पे इमेज वी कहां नजर आएगी, नेगेटिव ऑफ, ये डिस्टेंस कितना है 15 और ये डिस्टेंस कितना है 25, 25 को किससे डिवाइड किया 1.33। क्लियर है यहां तक, यू आ गया वी आ गया, बस 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u में पुट कर देना, v और u नेगेटिव में, यहाँ से फोकल लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर नेगेटिव में आएगा। पॉइंट समझ में आया कि कैसे सोचना है इसमें, क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया हुआ है, मोटर कार कन्वेक्स मिरर है, एक सेकेंड कार आ रही है और वो ओवरटेक कर रही है, हमने कैलकुलेशन के मेथड से शॉर्टकट बनाया था, ये सेम क्वेश्चन वो फिगर दिया हुआ था। हाँ, ये वाला फिगर दिया हुआ है, दिया हुआ है। ओके सर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम हुआ है, मेरी शीट का ही प्रॉब्लम है ये भी, तो लास्ट टाइम हमने वो डिफरेंशिएशन से ये स्टेप किया था, ये भी आप उसमें असाइनमेंट में चेक करना, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, ये क्वेश्चन देखें।
देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, क्यूब गिवन है, राइट, एक क्यूब गिवन है। आपने इस क्यूब की साइड जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 0.06 मीटर गिवन है। इसमें वो कह रहा है कि इसको एंड वाले पोर्शन को सिल्वर कर दिया, सिल्वर करने का मतलब इसको मिरर बना दिया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.07 मीटर फ्रॉम द फेस ऑपोजिट टू द सिल्वर्ड फेस। तो एक ऑब्जेक्ट को रखा, वो क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.07 मीटर फ्रॉम द फेस ऑपोजिट टू द सिल्वर्ड फेस। तो ये सिल्वर्ड फेस है, ये ऑपोजिट टू द सिल्वर फेस है। यहां से ऑब्जेक्ट को रखा 0.07 मीटर पे, ठीक है, रख दिया। लुकिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट साइड, यहां से अगर देखा जाए, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी 0.11 मीटर बिहाइंड द सिल्वर फेस। तो जो इसको यहां से देख रहा है वो ये कह रहा है कि मेरे को इमेज कहां पे नजर आ रही है, 0.11 मीटर फ्रॉम द सिल्वर फेस। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा यहां से देख रहा है उसको ये सिल्वर फेस ही सही नजर नहीं आ रहा। वो क्यों? क्योंकि बीच में ग्लास है, तो ग्लास की वजह से रियल और एपरेंट डेप्थ का केस लगेगा, तो उसको सिल्वर फेस थोड़ा पास नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो उसके लिए सिल्वर फेस ये नहीं है, उसके लिए सिल्वर फेस ये है। और यहां से उसको इमेज कहां नजर आ रही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.11। ये पॉइंट समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया कि जो ऑब्जर्वर यहां से देखेगा उसको सिल्वर फेस यहां नजर ही नहीं आएगा, उसको यहां नजर आएगा, ठीक है। यहां तक अब आपको ये पता लग गया, ये 0.06 है, यहां से इमेज 0.11 है, यहां से ये डिस्टेंस मान लो x है, मान लो ये x है। निकालना क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है। रूल वही है, बहुत सिंपल रूल है। अगर आप मुझे ये रियल डेप्थ बता दो कितनी है, और अगर आप मुझे यहां से एपरेंट डेप्थ बता दो कितनी है, तो मैं रियल डेप्थ को एपरेंट डेप्थ से डिवाइड कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे इसमें रियल डेप्थ तो पता ही है कितनी है, रियल डेप्थ कितनी है 0.06, ये तो पता ही है मुझे। और एपरेंट डेप्थ कितनी है यहां पर x, तो एपरेंट डेप्थ कितनी है x। तो अगर मैं आपको x बता दूं कितना है, आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब x बताने का तरीका क्या है, देखो x बताने के लिए काम करते हैं, ये मिरर है, इस ऑब्जर्वर के लिए ये मिरर है। इस मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, बोलो कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है, x प्लस 0.07 पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी उतनी ही दूरी पे है 0.11। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 0.07 प्लस x इक्वल टू 0.11, यहां से x आ गया। बस अगर x आ गया तो एपरेंट डेप्थ आ गई, तो रियल डेप्थ 0.06 है, x एपरेंट डेप्थ है, दोनों को डिवाइड कर लेंगे 0.06 और x, आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि आपने सोचना कैसे इस क्वेश्चन में? ऑनलाइन क्लियर है कैसे सोचना? क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये प्रिज्म वाली प्रॉब्लम ऑलरेडी हम कर चुके हैं TIR की शीट में, ये वही प्रॉब्लम है, मैं काफी बार बोल चुका, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये प्रिज्म की। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम कि इसको याद है, इसको ऑब्जेक्ट लेना है, इसको ऑब्जेक्ट लेना है, फिर इसकी इमेज बनानी है, इसकी इमेज बनानी है, दोनों इमेज को माइनस करके फिर टोटल लेंथ आएगी, ये भी किया हुआ है हमने, इसको करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ओनली फॉर नॉन मेडिकल, नॉट फॉर मेडिकल लिख लें, नॉट फॉर मेडिकल, और वो भी जब मैथ्स के टीचर उनको वो 3D वाला करवाएंगे, प्लेन्स वाला, वहाँ से ये वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, नहीं तो हो नहीं पाएगी, तो ये मैथ्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे वो लोग। और ये क्वेश्चन करना है नाइन्थ।
देखो क्वेश्चन है, इस फिगर में एक इररेगुलर ब्लॉक है, ये सरफेस प्लेन है और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व्ड है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है रिफ्रैक्टिव, यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू है, ये एयर है ये वन है, ये रूट टू है और ये अलग मीडियम है 1.514, तीन मीडियम्स हैं। रे ऑफ लाइट एंटर करती है 45 पे। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 0.4 गिवन है। आपको बताना है कि फाइंड डिस्टेंस ओ ई, मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी वो ओ ई पे बनेगी, वो ओ ई है कितना, इमेज का डिस्टेंस बताना है फाइनल कहाँ बनेगी। रूल नंबर वन, ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पर क्या लगेगा, रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से यहाँ पर आ जाएगा, क्या लगेगा, स्नेल्स लॉ वन एयर के लिए वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ 45 रूट टू इंटू साइन ऑफ आर, ऐसे ही बनेगा। तो ये लगा दिया, यहाँ से साइन आर की वैल्यू सॉल्व करके आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30। क्लियर है यहाँ तक, आर 30 आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, जब इसमें आर 30 आएगा ना, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, ये एंगल 30 आएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये कितना है, 60। तो तभी तो नॉर्मल 90 पे बनेगा, नॉर्मल 90 है तो ये ऐसे बोल लो, नॉर्मल 90 पे है, रिफ्रैक्शन का एंगल 30 है तो ऑब्वियस ये कितना है, 60। और अगर ये 60 तो ये भी 60 कॉरस्पॉन्डिंग, इसका मतलब ये रे इसके क्या बनेगी, पैरेलल। मतलब ये हिंट है कि 30 एंगल का मतलब रे क्या बनेगी, पैरेलल। समझ में आ रहा है कैसे, मतलब आपने कुछ, आपको कैसे पता लगा पैरेलल है, आपने तो सिंपल रे बना दी, आपको तो ये पता है कि ये 30 है, आपको ये पता है ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है तो ऑटोमेटिकली 60 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, पैरेलल, ठीक है। और अगर पैरेलल है तो यहाँ पर रे इज मूविंग फ्रॉम, ये 1.4 है, 1.5 है, मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो यहाँ पर लग गया रेयर टू डेंसर, और यू क्या पुट करेंगे इसमें, इन्फिनिटी, क्योंकि रेस कैसी आ रही हैं, पैरेलल, तो यू क्या रहेगा इसके, इन्फिनिटी। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तो यही किया इसने, आर निकाल लिया, रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला लगा लिया, म्यू वन पता है, म्यू टू पता है, यू इन्फिनिटी पुट कर लिया, वी आपको निकालना है और आर आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि इसका कर्वेचर राइट पे होगा पॉजिटिव, बस यहाँ से पुट करके ओ ई या वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेथड समझ में आया, कैसे सोचना है इसमें, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना, 10th क्वेश्चन, जो मैं ये शीट्स का सीक्वेंस यूज करता हूँ ना पेन ड्राइव में अपनी 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो मैंने ये गूगल ड्राइव पे जो शेयर कर रखे है उसमें फोल्डर बना दिया, ऑप्टिक्स का अलग से फोल्डर है, उसमें सारे ये पीडीएफ डाल दिए मैंने। तो अगर किसी को सीक्वेंस देखना है या जो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लास में, जितनी भी पीपीडीज हैं, स्लाइड्स हैं, वो सारी उसमें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखें, ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वो क्या कह रहा है, अ क्वार्टर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट पी इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ एम आर फ्रॉम इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम टू विच रे फ्रॉम पी विल एमर्ज पैरेलल टू द टेबल। मतलब वो कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसके चार हिस्से काट दिए, एक क्वार्टर टेबल पर रख दिया, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, वैसे सर्कल दिखता है लेकिन ये क्वार्टर दिखेगा आपको। क्लियर है यहाँ तक, एक ऑब्जेक्ट को रखा पी यहाँ पर और कितनी दूरी पे, एम आर पे रे निकली, वो कह रहा है फाइनली ये रे पैरेलल जाएगी, क्वेश्चन में गिवन है,
तो यहाँ पर दो रिफ्रैक्शंस हैं, पहली रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस पे और दूसरी रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस पे, ठीक है यहाँ तक। और फाइनल रे कहाँ पर जा रही है, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, मेरे को ऐसा लगा कि हम स्नेल लॉ लगाते हैं पहले यहाँ पे, और स्नेल लॉ कैसे लगाएं, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस तो गिवन ही नहीं है, तो स्नेल भी कैसे लगेगा, क्योंकि प्लेन सरफेस पे सबसे पहली चीज़ माइंड में क्या आती है, स्नेल्स लॉ, जैसे अभी किया था हमने, पर इसमें नहीं लगेगा क्योंकि आई नहीं पता आर नहीं पता लगाऊं कहाँ पर, नहीं लगेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले फर्स्ट सरफेस लेनी है, ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये हमने पहले नहीं किया। फर्स्ट सरफेस में रिफ्रैक्शन लगाओ फ्रॉम रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला, आपको क्या रेयरर टू डेंसर, ये तो कर्व सरफेस है ही नहीं तो भी लगा दो, कर्व सरफेस नहीं है तो भी रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला लगाओ, रेयरर टू डेंसर के फॉर्मूले में आर को इन्फिनिटी पुट कर दो, क्योंकि प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का आर क्या होगा, इन्फिनिटी, क्लियर है यहाँ तक। तो आप यहाँ इन्फिनिटी पुट कर देना, ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ पर एम आर है, माइनस एम आर है, आर इन्फिनिटी है, म्यू गिवन है, सॉल्व करके आपके पास वी आ जाएगा, क्या सही चीज़ है। प्लेन सरफेस के लिए भी रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला लगा दिया, क्लियर है, बस आर को क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी। इससे आपको ये पता लग गया कि आपकी इमेज प्लेन सरफेस कहाँ बनाएगा, माइनस 1.5 mr, यानी कि ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट mr पे था तो इमेज 1.5 mr यहाँ कहीं बनेगी, तो यानी कि रिफ्रैक्शन होगी तो इमेज यहाँ बनेगी। अब सेकेंड सरफेस के लिए ये क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट, और v क्या होगा इसका, इन्फिनिटी, क्लियर है। तो सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा यहां से, r प्लस वी वन, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी, r प्लस वी वन, राइट, और v क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ये देखो, तो डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट इज वी वन प्लस आर विद नेगेटिव साइन, लेफ्ट की तरफ है, और वी वन तो हमने निकाल लिया 1.5 mr है, और वी टू क्या, इन्फिनिटी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट की तरफ होगा इसका, तो आर इज नेगेटिव, आर इज नेगेटिव। तो यहां से सॉल्व करके पुट करके एम कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो ट्रिक समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें यूज किया हमने, रिफ्रैक्शन के फॉर्मुलाज को कैसे यूज करना है।